हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यहाँ पर फिर से एक नया डायनेमिक आइलैंड आ चुका है। एक नहीं, यहाँ पर दो तीन आपको देखने को मिल जाते हैं और आज की इस वीडियो में मैं यही इनेबल करके दिखाने वाला हूँ। और ये वाले जो है बिल्कुल रियल टाइप के लगते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छे यूज़ में भी हैं। काफ़ी सारे डिवाइस में वर्क नहीं कर रहे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में देखना आपको ये वर्किंग देखने को मिलेंगे। इसको आप किसी भी डिवाइस के अंदर इनेबल कर सकते हो। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इस तरह की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और चलो अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसको कैसे इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पहले तो एक जो चीज़ है भाई, ये अगर आपके पास रेडमी का डिवाइस या फिर शाओमी या फिर पोको का डिवाइस है तभी इनेबल होगा। दूसरा जो आप इसको कैसे भी इनेबल कर सकते हो, तो पहला तो आप देख सकते हो यहाँ पर लॉक स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा, ये म्यूज़िक वाला यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है और ऊपर की साइड ये देखने को मिल जाता है इस तरीके से। तो इसकी हम पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं दूसरे वाले की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये मेरे यहाँ पर अगर आपके पास कुछ इस तरह के ये होते हैं वायरलेस ट्रू वायरलेस ईयरफोन होते हैं, तो इसका आप जैसे ईयरबड्स होते हैं ईयरफोन होते हैं, इसको आप जैसे कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग ये एनिमेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने इसको बंद कर दिया है। बंद करने के बाद यहाँ पर मैं एक और बार आपको दिखाता हूँ। फिर से जैसे मैं इसको यहाँ पर ओपन करता हूँ, ये जैसे कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिलेगी जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो इस एनिमेशन को आप इनेबल कर सकते हो और इसके साइज़ को भी आप छोटा बड़ा इधर उधर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, वो है इसकी चार्जिंग एनिमेशन। तो मान के चलो अब यहाँ पर आप अपने डिवाइस को यहाँ पर चार्ज करोगे तो चार्जिंग एनिमेशन भी आपको यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड में देखने को मिलेगी कुछ इस तरीके से। देख सकते हो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। तो सही तरीके से दिखाने के लिए इसको हम यहाँ पर किसी अबाउट फोन में चले जाते हैं जहाँ पर ब्लैक ब्लैक स्पेस हो, यानी कि व्हाइट व्हाइट हो, सॉरी ब्लैक बोल दिया। अब यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ और यहाँ पर अब आप एनिमेशन देखना किस तरह से आपको देखने को मिलती है। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है ये एनिमेशन। लॉक स्क्रीन पर भी ये वर्क करती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। तो ये देख सकते हो यहाँ पर ये वाली एनिमेशन आ जाती है, इस वजह से वो नहीं शो करती है। तो इसलिए ये होम स्क्रीन पर काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पर शो करती है। देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो इसको आप इनेबल कर सकते हो। और बाकी जो मैंने आपको बताया आपके पास ये है वायरलेस वाले, तो आप इसको जैसे ही ओपन करोगे कनेक्ट करोगे, कनेक्ट होने के बाद तुरंत ही ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसके अंदर एनिमेशन, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपल आपको करना क्या है, एक एप्लीकेशन मिलेगा, ठीक है, दो मैं आपको बताऊंगा। एक तो ये हो गया और एक लॉक स्क्रीन वाला जो म्यूजिक वाला था ये अलग है, तो वीडियो जरूर से ध्यान में रखना। तो ये एक एनिमेशन मिलेगा डायनेमिक आइलैंड करके, इसको आपको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसमें काफ़ी सारी परमिशंस मांगेगा, किस तरह की परमिशंस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसकी साइज़ वगैरह को आप ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ पर टेस्ट एनिमेशन है, ये कुछ इस तरह से एनिमेशन दिखा रहा है। इसको हम कम ज़्यादा करके देख लेते हैं किधर से क्या बढ़ेगा किधर से क्या होगा, तो आप इसको कर सकते हो अपने हिसाब से। देख सकते हो यहाँ पर ये हो गया, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि किस तरह से रहना चाहिए। तो ठीक है, तो मेरे को यहाँ पर ये ठीक लग रहा है तो आप इसको कर सकते हो। और ये कितना बड़ा कितना छोटा चाहिए ये आप ये अपने हिसाब से भी यहाँ पर कर सकते हो। तो जो भी आपको पसंद है वो कर लेना। अब यहाँ पर आप देख सकते हो टर्न ऑन टू फीचर, आपको ये फीचर इनेबल करने के लिए पहले ये दो तीन चीज़ की परमिशन मांगेगा। इसको आपको ये परमिशन जो है सारी की सारी दे देनी जिस तरह से मैं दे रहा हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक परमिशन दे दिया, उसके बाद यहाँ पर ये वाला परमिशन है, यहाँ पर डाउनलोड्स में चले जाना है, डायनेमिक आइलैंड आएगा, इसको ओपन करके इसको ये वाली परमिशन दे देनी है। ये वाली परमिशन देने के बाद आपको फिर से बैक चले जाना। बैक जाने के बाद इसमें दो तीन परमिशन अभी और मांगेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ब्लूटूथ वाली परमिशन है, इसको भी दे देना। और यहाँ पर अभी आप देख सकते हो फीचर नॉट इन, यहाँ पर टर्न ऑन लिखा हुआ है, इस पर आप टैप करोगे फीचर इज ऑन। जब तक ये लिखा हुआ नहीं आएगा फीचर इज ऑन तब तक ये वर्क नहीं करेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये है मेरा यहाँ पर, अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ओपन करने के बाद जैसे ये कनेक्ट होंगे, कनेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको एनिमेशन जो वो देखने को मिल जाएगी। अब इसकी एनिमेशन को हम थोड़ा सा ऊपर नीचे दाएँ बाएँ करके देख लेते हैं। मान के चलो ये यहाँ पर मैंने इसको कम कर दिया, कम करने के बाद फिर से मैं अब इसको चालू यहाँ पर करता हूँ। देख सकते हो मैंने इसको यहाँ पर चालू किया और जैसे कनेक्ट होगा उसके बाद यहाँ पर आपको एक एनिमेशन देखने को मिल जाएगी जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगती है। तो ये वाली जो बिल्कुल परफेक्ट है ये मेरे को ठीक लगी है। तो ये ओनली फॉर दो ही जगह वर्क करती है, एक तो ये जब ये आपका वायरलेस वाले कनेक्ट होंगे और दूसरा जब आपके चार्जिंग एनिमेशन यानी आपका फ़ोन जब ये चार्ज होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ इस तरह से, जैसे मैं इसको चार्ज पर लगाता हूँ तो ये एक एनिमेशन देखने को मिलेगी जो कि काफ़ी बढ़िया देखने को मिलती है। तो ये दो एनिमेशन अगर आपको
इनेबल करनी है तो इसके लिए ये वाला आपको एप्लीकेशन चाहिए। अब दूसरी बात हम करते हैं ये म्यूज़िक वाला, अगर आपको म्यूज़िक वाला चाहिए तो इसके लिए थीम एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन पर ये देखने मिल रहा है, और यहाँ पर आप इसको गौर करना, ये जो इसका टाइम एंड डेट है इसके भाई बैकग्राउंड के पीछे, और देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है, और इसको मैं यहाँ पर हिला रहा हूँ तो ये बैकग्राउंड में हिलता भी, तो ये एनिमेशन है, बट इस पर आप टैप करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा, लेकिन साइड में आप इस पर टैप करोगे तो म्यूज़िक आपका बंद हो जाएगा, इस पर टैप करोगे म्यूज़िक आपका चालू हो जाएगा, डबल टैप करोगे तो गाना आपका चेंज हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से आपको देखने मिलता है, और बाकी यहाँ पर ये है, इस पर डबल टैप करोगे बहुत सारे चेंजेस देखने मिल जाते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हो, और यहाँ पर छोटी मोटी और कस्टमाइजेशन है। तो इसको इनेबल करने के लिए सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको टेलीग्राम पर एक थीम एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जो होगा यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फाइल मैनेजर में जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम जाते हैं तो ये देख सकते हैं, पहले जब हमने थीम अप्लाई करी थी वो था यहाँ पर एक ग्रुप मी ऐसी करके वाला थीम था, ये वाला अप्लाई किया था, लेकिन इस बार जो थीम आया ये आया A14 Ultra V12 M2 MTZ। ठीक है, ये थीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाके डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा थीम स्वाइप करके, ये आपको यानी कि आपका जो प्ले स्टोर है उस पर मिल जाएगा। तीसरी बात, ये जो थीम स्टोर होगा आपका, इसको भाई प्लीज़ जरूर से अपडेट कर लेना, अपडेटेड होना चाहिए 12, ये देख सकते हो 2.1.1.7 वाला, ऑलरेडी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक दिया हुआ डाउनलोड वाला, कर लेना तभी जाके वर्क करेगा। ये तीन चीज़ होनी चाहिए, उसके बाद किस तरह से करना है, सबसे पहले यहाँ पर मैं अपनी नॉर्मल थीम लगा देता हूँ, देख सकते हो यहाँ पर हम चले जाते हैं नॉर्मल थीम, यहाँ पर हमने इसको लगा दिया नॉर्मल वाला थीम। थीम लगने के बाद अब देख सकते हैं हमारा डिवाइस कंप्लीटली नॉर्मल जैसा हो चुका है। अब सिंपल करना क्या है, स्वाइप थीम है इसको ओपन करना है, ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पर ये क्या कहते हैं इंपोर्ट पे जाना है, प्लस के बटन पे जैसे ही आप यहाँ पर टैप कर दोगे प्लस के बटन पे, फिर आपको फाइल लोकेशन सेलेक्ट करनी है, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो भी आप फाइल डाउनलोड करोगे डाउनलोड्स में जाके जो आती है उसको अपना बाहर ही पेस्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर बाहर अपना डाला हुआ है A14 Ultra। इस पर आप जैसे टैप करोगे प्रोसीड पर टैप करोगे, फिर से एक और ये बार बोलेगा, फिर यहाँ पर M11X मेरा डिवाइस का नाम आ रहा है, इस पर जाके मैं करूँगा और थीम यहाँ पर अप्लाई हो जाएगी ईजिली से, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। बट यहाँ पर अभी जो आपका काम है वो खत्म नहीं हुआ, इसके बाद यहाँ पर कस्टमाइजेशन देखने मिल जाती है, जैसे कि इसकी बार की आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, इसको ऊपर नीचे कर सकते हो, इसका जो कलर है आप या डार्क वाइट जो आप रखना चाहो वो रख सकते हो, और इसकी ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो। इस पर टैप करोगे तो इधर की साइड ये कट हो जाता है, इसको कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको थीम देखने मिल जाती है इस तरीके से, और यहाँ पर ये लॉक स्क्रीन जो है, और यहाँ पर देख सकते हो म्यूजिक बार, ये आपको कुछ इस तरह से देखने मिल जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में जो म्यूजिक का ये डायनेमिक आइलैंड होगा ये चालू नहीं होगा, आपको थीम स्टोर में जाना पड़ेगा। थीम स्टोर में जाने के बाद ये प्रोफाइल पर टैप करना है, कस्टमाइजेशन पर टैप करना है, लॉक स्क्रीन पर टैप करना है, कस्टमाइज पर टैप करना है, और नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर स्मार्ट म्यूजिक मिलेगा, ये आपका कुछ इस तरीके से होगा, वर्क नहीं कर रहा होगा, सिंपल स्मार्ट म्यूजिक जो इसको इनेबल कर देना तब जाके ये आपका चालू हो जाएगा, कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ये दो तीन ऑप्शन भी होंगे, इनको भी इनेबल करना है, इससे क्या होगा यहाँ पर जो तीन चार चीज़ आ रही थी वो यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएगी। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आ रहा था ये आना स्टार्ट हो चुका है, ग्रेविटी वाला भी चालू हो चुका है। तो इस तरह से आप नया वाला डायनेमिक आइलैंड जो तीन चीज़ है, एक है म्यूजिक वाला और दूसरा यहाँ पर एयरपोर्ट्स वगैरह ये आप कनेक्ट करते हो, ये और चार्जिंग एनिमेशन वाला इनेबल कर सकते हो। बाकी कोई दिक्कत है तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। बाकी यही तरह आज की इस वीडियो में, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।